हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरीके से पट्टी से हम सॉक्स कैसे बना सकते हैं, बेबी बूटीज़। तो देखिए, मैं इसके लिए किस तरीके से सॉक्स को मैं बनाऊंगी। तो मैंने एक पार्ट बना के रखा है, तो फिर दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगी। दूसरा पार्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसको मेरे को बनाना है। और देखिए, मैं एक फ्लावर भी बना लिया है, एक क्रोशिया से मैंने इस तरीके की फ्लावर बनाया है। आप लोगों को अगर सीखना है इस तरीके से फ्लावर कैसे बनेगी, वो भी मैं बता दूंगी। सॉक्स में ये वाली फ्लावर लगाऊंगी। ये मेरी बड़ी साइज है, लेकिन मैं छोटे साइज बना के आपको दिखा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दो कलर की ऊन ले रखी है, एक पर्पल कलर की ऊन है, एक व्हाइट कलर की ऊन है। तो पर्पल कलर की ऊन से सबसे पहले मैं 16 फंदे ले लूँगी। देखिए, मैं सबसे पहले 16 फंदा ले रही हूँ और नॉर्मल फंदा मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से मैं नॉर्मल फंदा डालूँगी और मैं 16 फंदा ले लूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं इसको ले लूँगी। इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैं फंदा डाल रही हूँ। इस तरीके से लिया, इसको डाल दिए, दो फंदा हो गया, तीन, चार, पाँच, देखिए, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। देखिए, ये मेरी नॉर्मल ऊन है और मैं इसको 10 नंबर पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी आपकी 12 रो बना लूँगी, जैसे उल्टी उल्टी करके मैं 22 रो की सिलाई डालूँगी। देखिए, मैं इस तरीके से जैसे उल्टी उल्टी सिलाई करके इस तरीके से मैं डालूंगी, उल्टी उल्टी करके। देखिए, इस तरीके से डाल दूंगी दोनों तरफ उल्टी उल्टी करके, मैं 12 रो डालूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। ऐसे देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं 12 फंदे 16 फंदे को बना रही हूँ। दोनों तरफ ही उल्टी बनाना है। देखिए, देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, एक रो मैंने बना लिया है। अब जो पहले फंदा है, इसको मैं ऐसे करके उतार लूँगी, फिर धागा को इस तरीके से ला के उल्टा बनाऊँगी। दोनों तरफ से मेरे को उल्टा बनाना है। देखिए, इस तरीके से मैं बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 24 रो बनाया। 24 रो बनाने के बाद इसमें व्हाइट कलर लगाऊंगी। ये मेरी सीधी साइड है, देखिए इस साइड में जो धागा है ये मेरी सीधी साइड है, ये उल्टी है। तो इस साइड ऐसे लाएंगे तो सीधा तरफ रहेगा और ऐसे रहेगा तो उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ से मैं इसकी धागा ज्वाइन करूँगी। जब धागा मेरा लेफ्ट साइड में, ये वाली धागा मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा, तब इसमें मैं कलर चेंज करूँगी। देख लीजिए, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कलर चेंज कर ली है दोनों साइड से। फिर उल्टा उल्टा जो व्हाइट वाली धागे से बनाऊंगी, 12 रो बनाऊंगी। इस तरीके से मैं व्हाइट वाली धागे से, जैसे मैंने ए वाली धागे से मैंने 24 रो लगाए थे उल्टा उल्टा, तो इस धागे से मैं 12 रो लगाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मैं इस धागे को भी साथ साथ लेके जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बना रही हूँ मैं। उल्टी तरफ से इसको मैंने ज्वाइन किया है। देखिए, इस तरीके से देखिए उल्टा बना दिया है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको उल्टा बनाऊंगी। पहले फंदा उतार लूंगी। देख लीजिए, इस तरीके से मैंने पहले फंदा उतार लिया, इसको धागा को घुमा दिया। फिर देखिए, इस तरीके से मैं उल्टा बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी 12 रो। इसको मैं 12 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट धागे से फिर से 12 रो लगा लिया। 1 2 3 4 5 6 उल्टी उल्टी 6 धारी हो गया। इसके मतलब 12 रो मैंने 12 रो कंप्लीट की है। फिर से मैंने इसी पर्पल कलर से 12 रो बनाऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिक्स रो येलो व्हाइट से बनाया, सिक्स रो पर्पल से बनाया, फिर मैं सिक्स रो व्हाइट से, सॉरी ट्वेल्व रो, ट्वेल्व जैसे मैंने ट्वेल्व रो बनाया इसमें व्हाइट से, फिर मैंने ट्वेल्व रो पर्पल से बनाया, अब मैं ट्वेल्व रो फिर से व्हाइट से बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे नीचे मैंने 24 रो डाले थे, 24 रो के बाद मैंने ये रो 12 रो डाले, फिर मैं 12 रो डाला है, फिर मैंने 12 रो डाला है। इसके बाद मैं जैसे 24 रो डाला है, मैं पर्पल कलर से 24 रो डालूंगी, 24 डालने के बाद मैं सारे फंदा क्लोज कर दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 24 रो हो गया मेरा, नीचे भी 24 थे, ऊपर भी 24 थे, और बीच में मेरे 12 रो थे। तो अब इसको मैं सारे क्लोज कर दूंगी, क्लोज करने के बाद मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैं टंग दूंगी ऐसे करके, छोटे छोटे करके, ऐसे करके देख लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे करके। देखिए यहाँ तक मैं इसको कर दूंगी ऐसे, देखिए इस तरीके से इसको खींच के टाइट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। दूसरी तरफ भी, इस तरफ पे भी ऐसे कर दूंगी। देखिए इस साइड से भी यहाँ से यहाँ तक टाँग दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको लेके बिल्कुल किनारे किनारे पे ऐसे लेके, देखिए इस तरीके से इसको भी बांध देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भी इसको भी हम खींच देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम करके इसको हम सिल देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिल देंगे, यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे, इधर से लेके यहाँ तक सिलेंगे, पहले यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ तक सिल देंगे। देखती हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से लेके ऐसे करके सिल देंगे हम इसको। देखिए इस तरीके से हम सिल देंगे इसको। यहीं से लेके यहीं तक सिल देंगे, जहाँ बिल्कुल मिला के। देखिए यहाँ पे मैं पक्का कर लूँगी, फिर इस सर से। देखिए इस सर से ऐसे करके सिल देंगे। बिल्कुल यहाँ से मिला के देखिए जो होल है यहाँ पे, हल्का सा जो होल है इसको भी हम सिल देंगे अच्छे से। ये नीचे की साइड है। देखिए बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। देखिए इस तरीके से सिल दिया। अब इस तरीके से इधर से देखेंगे, फिर यहीं से मैं पम पम लगा दूंगी, आपको मैं सीधा करके दिखा। देखिए फ्रेंड्स, सॉक्स को मैंने बना के रेडी कर दिया है, ये भी मैंने रेडी कर दिया। अब इसमें मैं पम पम लगाऊंगी, तो पम पम के लिए मैंने सारी कर दिया। अब इसकी कटिंग करूंगी, कटिंग करने के बाद इसमें मैं पम पम लगाऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे जूड़ा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नीटिंग के रिलेटेड कुछ भी आइटम चाहिए तो मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। देखिए मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्रोशिया से फ्लोर बना के इसमें चिपका दिया है और बिल्कुल कितना अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप इस तरीके से इस सॉक्स को बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।